नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे नरेंद्र नगर की, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर पट्टी दोगी क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के लोगों ने यूकेटी के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडीर के नेतृत्व में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को गूलर में चक्का जाम कर दिया है। नेशनल हाईवे पर चक्का जाम होते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इस दौरान जघन्य हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने जुलूस निकालते हुए जबरदस्त नारेबाजी की और हत्यारों को फांसी के फंदे पर लटकाए जाने की मांग की। इस दौरान सरदार सिंह पुंडीर का कहना है कि उत्तराखंड में ये घटना पहली बार है और अगर इस घटना को अंजाम देने वाले जघन्य अपराधियों को कड़ी सजा नहीं दी गई तो ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले जाएंगे। जाम के दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच इस दौरान नोकझोंक हो गई। पुलिस के बहुत समझाने बुझाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने किसी तरह जाम खुलवाया गया। जाम खुलते ही यात्रियों ने चैन की सांस ली। इसलिए हम अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए सारे महिला और लड़कियां इकट्ठे हो रखे हैं। आज अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ उस चीज के लिए हम जो है संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके परिवार के साथ हम हर घड़ी हर समय उनके लिए खड़े हैं। इसलिए हम अंकिता हत्याकांड को लेकर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग कोनों से भी खबरें सामने आ रही है। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि युवाओं में भी उबाल देखने को मिल रहा है। पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र में अंकिता हत्याकांड के बाद अब जगह जगह लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। कहीं लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं लोग चक्का जाम कर रहे हैं। इसी कड़ी में पोखरी में महिलाओं और छात्राओं ने विनायक धार चौराहे पर चक्का जाम किया। भले ही अंकिता के हत्या आरोपियों को जेल भेज दिया गया हो, लेकिन इस घटना के बाद श्रीनगर शहर में ही नहीं बल्कि चमोली की जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में अंकिता केस की सुनवाई की मांग उठाई जा रही है। साथ ही लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर अंकिता को जल्द ही न्याय नहीं मिला तो उन्हें बाजार बंद कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दिनांक 26 सितंबर को विद्यार्थी परिषद द्वारा बहन अंकिता के अत्याचार निर्मय हत्या के परिप्रेक्ष्य में जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें विद्यार्थी परिषद की मांग है कि देवभूमि के उन हत्यारों को फांसी की सजा हो। 26 सितंबर को अंकिता भंडारी बहन के लिए एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस रैली निकाली है, जिसमें हम लोगों ने अंकिता बहन को इंसाफ के लिए मांग उठाई। बात करेंगे टनकपुर की, जहां पर अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छात्र छात्राओं ने मिलकर अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। चंपावत के टनकपुर राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उसके हथियारों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर मार्च भी निकाला। इस मौके पर न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी भी लगाई गई, जिसके बाद एसडीएम के माध्यम से सीएम और राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा गया। आपको बता दें कि राजकीय महाविद्यालय कार्की फार्म और वेलफेयर सोसाइटी और आंगनबाड़ी के कार्यकर्त्रियों ने नगर पालिका हॉल में अंकिता भंडारी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय और सोसाइटी के सदस्यों की तरफ से राजकीय महाविद्यालय ओक शहीद विपिन रावत पार्क से मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और जघन्य अपराधियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की है। बच्ची अंकिता भंडारी की को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके विरोध में कुछ छात्रों ने माननीय मुख्यमंत्री के को नामित एक ज्ञापन आज तहसील में दिया है। ये ज्ञापन मेरे द्वारा उनसे स्वीकार किया गया है। एक बच्ची बुलेटिन में बात करेंगे पौड़ी की, जहां अंकिता भंडारी के परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस के बड़े लीडर पहुंच रहे हैं। लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर देश में उबाल देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई कांग्रेस नेता दिवंगत अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने अंकिता के परिवार को
सांत्वना देते हुए कहा कि सारा राज्य उनके साथ है। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने परिवार को विश्वास में लेते हुए कहा कि अंकिता की लड़ाई को लड़ने के लिए भी उनके परिवार के साथ मिलकर पूरी तरह से तैयार है और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ हर समय उपलब्ध रहेंगे। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि सबूतों के साथ प्रशासन की तरफ से छेड़छाड़ की गई है, इसीलिए वे प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार सीबीआई जांच कर अंकिता के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने पर अपना योगदान सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से गठित एसआईटी की तरफ से जांच की गई तो प्रदेश सरकार के इशारों में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की जा सकती है। लेकिन जहां घटना घटित हुई वहां तोड़फोड़ करने का मतलब है कि सबूत मिटाए गए, और जिस तरीके से डीजीपी और भंडारी जी की आदरणीय जो बातचीत फ़ोन पर हुई उसको वायरल करना, वो भी एक शक पैदा करता है कि आखिर रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था। भंडारी जी की तो हालत है नहीं कि रिकॉर्डिंग करेंगे, वो तो खुद बीमार है, बेहोश हो रहे हैं बार बार, तो डीजीपी की फ़ोन और इनके फ़ोन को रिकॉर्ड किसने किया, और वो जो वायरल हो रहा है लगातार, इस परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि परिवार कहीं ना कहीं हामी भर रहा है या सरेंडर कर गया है। न्याय कैसे मिलेगा जब सबूतों के साथ खिलवाड़ हो गया, सबूतों को नष्ट कर दिया गया, तो न्याय कहाँ से मिलेगा। मैं आज हम सब लोग, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी और मैं स्वयं आज पीड़ित परिवार को मिला और मैंने उनसे हाथ जोड़कर बात करेंगे अल्मोड़ा की, जहां पर पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने अंकिता हत्याकांड को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने अंकिता हत्याकांड मामले में सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रदेश में हुए अंकिता हत्याकांड को लेकर अब सियासत गरमाई हुई दिख रही है। इस दौरान अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि इस हत्याकांड में सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला राजस्व पुलिस से 5 दिन बाद रेगुलर पुलिस को दिया जाता है, जबकि इसको तत्काल कर देना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में पहले से आरोपियों को बचाना चाहती है, इसीलिए अंकिता के कमरे में बुलडोजर चलाया गया। आखिर इसका आदेश किसने दिया? सरकार ने सबूत मिटाने का काम किया। टमटा ने कहा कि जिस कमरे में अंकिता रहती थी उसको भी क्यों तोड़ा गया है। पहले ये बात प्रचारित की गई कि मुख्यमंत्री के कहने पर बुलडोजर चला, लेकिन जब कांग्रेस ने सवाल उठाया तो डीएम ने कहा कि हमने बुलडोजर चलाने को आदेश नहीं दिया। अगर सरकार के आदेश पर बुलडोजर नहीं चला तो वो किसके आदेश पर चला है? हम प्रदेश की सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं। प्रदीप टमटा ने कहा कि हर बेटी को आगे नौकरी का अधिकार, हर बेटी को नौकरी का पूरा अधिकार है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ढहाने की अनुमति नहीं दी थी तो किसने ढहाया, किसके ऑर्डर पर ढहाया, अभियुक्तों को बचाने की साजिश के तहत क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, क्या उनको भी गिरफ्तार करेंगे, ये बड़ा प्रश्न। उस अंकिता बेटी के साथ न्याय मिले, इसमें राज्य सरकार की भूमिका को निपटाना। बात करेंगे पौड़ी की, जहां पर बाल विकास मंत्री रेखा आर्य अंकिता के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान अंकिता के परिजनों के सामने उन्होंने दुख व्यक्त किया और दुख महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य अंकिता भंडारी के गांव डोब श्रीकोट पहुंची। उन्होंने अंकिता के माता पिता और भाई से मुलाकात कर सांत्वना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी की मौत की साजिश करने वाले आरोपी जेल में बंद है, इसके अलावा जो भी इस मामले में संलिप्त पाया जाएगा उसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो। अंकिता भंडारी की माँ सोनी देवी ने से मुलाकात करते हुए भी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मैं भी एक माँ हूँ और उनका दर्द भली भांति समझ सकती हूँ। उन्होंने कहा कि सरकार से भंडारी परिवार को हर संभव मदद दिलाने की पैरवी की जाएगी। रेखा आर्य ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके घर पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। सारे घटनाक्रम से मुख्यमंत्री भी बेहद दुखी है। मामले में किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा, इसके लिए सीएम खुद भी जांच पर निगरानी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईटी की टीम में काबिल अफसरों को तैनात किया गया है, टीम ने रिजॉर्ट और आसपास के सारे सबूत जुटा लिए हैं, उसी के बाद बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई है। लगातार डीजीपी हो, पुलिस हो, लगातार परिवार के लोगों के संपर्क में है। हर जो भी घटना में हमें मिल रहा है उसको लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सबके सामने रखा जा रहा है, ताकि कोई भी चीज किसी भी तरीके के अफवाहों में गलत परिस्थितियां पैदा ना करें। तो कुल मिलाकर सरकार अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, लगातार ये प्रयास में है कि एक ऐसी नज़ीर प्रस्तुत हो कि भविष्य में किसी अंकिता के सामने
या उत्तराखंड की किसी भी बेटी के साथ में ऐसा जघन्य अपराध कोई करने की। बुलेटिन में बात करेंगे काशीपुर की, जहां पर पुलिस की ओर से सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। लगातार होटल और रिजॉर्ट को लेकर कार्रवाई सामने आ रही है। पुलिस की ओर से सत्यापन अभियान के दौरान कई तरह की खामियां भी देखी जा रही है। सीएम धामी के आदेश के बाद उधम सिंह नगर के काशीपुर में एसएसपी के निर्देशों का अनुपालन करते हुए पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाकर होटल और रिजॉर्ट में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने कई खामियां भी पाई, जिसमें कई होटलों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया गया। इस दौरान कोतवाली प्रभारी काशीपुर ने बताया कि पुलिस की अलग अलग में काम पर लगी है, जहां भी कर्मचारियों का सत्यापन नहीं किया गया और गलत तरीके से कार्रवाई होटलों में चल रही है, उन पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है, जिससे कि कोई अप्रिय घटना न घट सके। वहीं पुलिस ने सराय एक्ट के अंतर्गत सभी नियमों का पालन करने की होटलों को नसीहत देते हुए कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा होटल में होना चाहिए, साथ ही गलत तरीके से गतिविधियों होने पर पुलिस को तत्काल सूचना दी जाए, जिससे पुलिस हर संभव मदद कर सके। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हम लोगों ने कल एक अभियान चलाया, जिसमें हमारे द्वारा थाना क्षेत्र में रिजॉर्ट्स और जो होटल बने हुए हैं उनका वेरिफिकेशन, उनमें रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन के संबंध में जानकारी की गई। तो हमारे द्वारा अभी तक 4 होटलों का इसमें चालन किया गया है। बीजेपी की ओर से लगातार जिले में अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने का काम किया जा रहा है। अब पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से संगठनात्मक रूप से 5 जिलों के विस्तार करने के बाद अब पार्टी संगठन पदाधिकारियों को जिले की जिम्मेदारी सौंपने की कवायद में लग गया है। पार्टी के संगठनात्मक 14 जिले थे, जिसे बढ़ाकर 19 कर दिया गया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों में पदाधिकारियों की टीम को भेजा गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राय जानने के लिए इसमें 16 जिलों की रिपोर्ट आ चुकी है। बचे 3 जिलों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। जल्द ही रिपोर्ट के आने के बाद पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। अभी तक पार्टी के संगठनात्मक 14 जिले थे, 5 जिले संगठन की दृष्टि से बढ़ाए गए हैं, अब 19 जिले पार्टी के हैं। 3 जिलों में, वैसे सभी 19 जिलों में पार्टी ने वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम भेजी थी राय जानने के लिए स्थानीय पार्टी के नेताओं की। बुलेटिन में बात कर लेते हैं रुद्रपुर की, जहां पर पोषण माह के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों को स्वस्थ रूप प्रदान करने के साथ ही साथ बच्चों के पोषण से रिलेटेड ये पूरा अभियान था। उद्धम सिंह नगर के किच्छा में पोषण महीने के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान GGIC की छात्राओं ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। किच्छा में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पोषण माह और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के मौके पर तमाम प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस दौरान के श्रीनिवासन ने छात्राओं से खान पान पर विशेष ध्यान देने की अपील की और साथ ही साथ कहा कि शरीर स्वस्थ होगा तो छात्राओं का दिमाग भी स्वस्थ होगा और छात्राएं आगे चलकर अपना नाम रोशन करेंगी। हमारे जो विशिष्ट अतिथि थे उनमें एक डॉक्टर साहब जो SMC अध्यक्ष हैं अनवार हुसैन जी और भी कई विशिष्ट अतिथि थे, तो अनवार हुसैन जी ने छात्राओं को स्वास्थ्य से संबंधित विशेष जानकारी दी और ब्रिटानिया न्यूट्रिशियन फाउंडेशन की तरफ से मोहित जी यहाँ पर उपस्थित थे। अटल उत्कर्ष राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किच्छा में पोषण माह मनाया जा रहा था और जो है NSS का स्थापना दिवस, इस में चीफ गेस्ट जो बने थे मुख्य अतिथि वो बाल विकास परियोजना के सचिव भारत सरकार थे। माँ एक्टिविटीज़ देखते हुए बहुत खुश हुआ, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम वगैरह कार्यक्रम किया था, वो जो नाटक वगैरह में बच्चों का अवेयरनेस के बारे में और न्यूट्रिशियस फूड के बारे में, माँ का बेटी का कितना पोषण वो चाहिए ज़रूरत है वो पूरा बहुत बढ़िया दिया था पोषण माह का दे के जिला अधिकारियों को और स्कूल जो भी टीचर। बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। पुरानी जमीनों पर बने हुए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है।
देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पुरानी इमारतों के गिराने का काम शुरू हो गया है। ऐसी इमारतें जो खोखली हैं और जिनकी हालत खस्ता है उन्हें चिन्हित कर ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो चुका है। देहरादून का सबसे पुराना बिजली दफ्तर जो कि अंग्रेजों के वक्त से शहर में स्थित था पीडब्ल्यूडी की ओर से आज ध्वस्त कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक देहरादून के पुराना कनॉट प्लेस भी जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा। तहसीलदार सोहम सिंह रागड़ के अनुसार काफी वक्त से खाली पड़ी ये इमारत पूरी तरह खोखली हो चुकी है जो कि कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है कि ऐसी इमारतों को चिन्हित कर उनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने जाने को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। लगातार इसको लेकर जो है अब कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। नदी नालों पर हुए अतिक्रमण को कब्जा मुक्त करने को लेकर दायर उर्मिला थापा बनाम उत्तराखंड राज्य जनहित याचिका पर आए निर्णय को लेकर फिर से नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। देहरादून अंतर्गत सहसपुर निवासी याचिकाकर्ता रूपा देवी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए तहसील प्रशासन की ओर से कई बार 50-60 सालों से कब्जाधारी पट्टाधारी को भी नोटिस थमाया जा रहा है, जबकि उक्त भूमियों पर इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास बने हुए। याचिका में दलील दी गई है कि इस निर्णय से सैकड़ों परिवार प्रभावित हो रहे जिनको राहत दिया जाना जरूरी है। जिस भूमि पे इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बने हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो है उसे आप तोड़ नहीं सकते हो, उसे आप बेच नहीं सकते हो, उसमें आप किराएदार नहीं रख सकते हो। तो इस एवज में जो कुछ जगह नोटिस प्रशासन ने चस्पा करा दिए हैं और वो उन 70-80 जो अपने पंचायतें हैं उनमें करीबन 45-50% जिन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं उन नोटिसों। बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर योगपीठ महामंत्री बालकृष्ण को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आचार्य बालकृष्ण को एक जड़ी बूटियों से रिलेटेड एक उपलब्धि हासिल हुई है। संजीवनी बूटी खोजने का दावा करने वाले पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने एक और उपलब्धि हासिल की है। आचार्य बालकृष्ण ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के साथ मिलकर गंगोत्री ग्लेशियर के आगे 6,000 मीटर से ऊपर हिमालय की 3 चोटियों को फतेह कर दिया है। इन 3 चोटियों पर अभी तक कोई भी इंसान पहुंच नहीं पाया है। बीती 14 सितंबर को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु बाबा रामदेव ने हरी झंडी दिखाकर गंगोत्री से उनके इस अभियान की शुरुआत की थी। अपने अभियान को पूरा करने के बाद हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय पहुंचे आचार्य बालकृष्ण और नीम टीम का जोरदार स्वागत हुआ। आचार्य बालकृष्ण के अनुसार अपने इस पर्वतारोहण में वो न केवल इन 3 अनाम चोटियों का नाम रख वापस लौटे बल्कि हिमालय में 6,000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर 550 से ज्यादा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की खोज भी कराए हैं। थी उनमें से हमने 3 चोटियों की खोज करके और उनकी स्थिति पारिस्थिति और प्राकृतिक जो बना हुआ स्वरूप था उसके आधार पर उसका नामकरण करके हम लौटे हैं और उसके उतरने के बाद में हम लोगों ने पहली बार ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पर जितने जड़ी बूटियां थी अधिक जड़ी बूटियां पराक्रम को करने के लिए आचार्य श्री को बधाई है। बड़े रूपों में कई बार प्रयास हुए, जो अंतिम प्रयास जो है लगभग आज से 42 साल पहले हुआ था 1981 में। उसके बाद कोई किसी ने साहस नहीं किया वहाँ तक पहुँचने का। वहाँ श्रद्धे आचार्य श्री के नेतृत्व में हमारे अमित बिष्ट जी जो कर्नल साहब हैं इनके नेतृत्व में यह जो कार्य संपन्न हुआ यह अपने आप में हिमालय के परिप्रेक्ष्य में कहो या पर्वतारोहण की। बुलेटिन में बात करेंगे लाल कुआं की, जहां पर एक मील के श्रमिकों का धरना देखने को मिला। लगातार प्रदर्शन जारी है और भूख हड़ताल पर भी कर्मचारी नजर आ रहे हैं।
लालकुआ में स्थित सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों को बाहर निकाले जाने से नाराज ठेका श्रमिकों को आज 61 दिन अनिश्चितकालीन और कार्मिक अनशन करते हुए पूरे हो गए हैं। वहीं ठेका श्रमिकों का आरोप है कि मिल मैनेजमेंट की ओर से उन्हें अभी तक न्याय नहीं दिया गया है। वहीं श्रमिकों ने कहा कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए उन्हें क्षेत्रीय विधायक से भी बात की, लेकिन क्षेत्रीय विधायक की ओर से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। अब इतने दिनों से बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के चलते उनके लिए रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। अगर ये भूख हड़ताल से भी नहीं माने तो इसके बाद हम मजबूर हो गया आत्मदाह जैसे कदम उठाने पर भी विवश है। आप मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, जो मेरे कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता हैं लालकुआ विधानसभा के, मैं उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। आज उनके द्वारा 61 दिन पूरे होने के संबंध में हमें जो है सूचित किया गया है कि हम आज से भूख हड़ताल में बैठ आमरण अनशन के लिए बैठ रहे हैं, और जब तक हमारा ये मांग पूरी नहीं होती है हम आमरण अनशन करेंगे। मैं तो तानाशाही रोही अपना रहा था और कहते में ये लोग कैजुअल कब से काम कर रहे हैं, 10-15 साल से काम कर रहे हैं, आज कहते हैं कि एज इनकी खत्म हो गई है, तो अब ये कहां जाएंगे साहब, ये उस दिन से। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे नैनीताल की, जहां पर भूस्खलन की समस्या से लोग काफी परेशान हैं और लगातार अधिकारियों का यहां पर आना जाना लगा रहा है। नैनीताल पहुंचे आपदा सचिव आनंद श्रीवास्तव ने नगर के आपदा ग्रस्त और भूस्खलन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण नगर पालिका सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि सभी स्टैक होल्डर विभाग के अधिकारियों से लगभग 2 घंटे की वार्ता के दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि नगर का सपोर्ट सिस्टम काफी पुराना हो चुका है, जिस कारण रॉक कमजोर होने से अपनी जगह से खिसक रही है, जो कि एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। ये हमारा नैनीताल चूँकि एक हेरिटेज सिटी है, जब से ये बसा है शहर तब से यहाँ पर कई समस्याएं रही है, लैंडस्लाइड की और इस तरह की आपदा की। तो इस एरिया का लेक के चारों तरफ जो हमारे सुरक्षा दीवारें हैं, जो चीज़ें सिंक कर रही है उसका, प्लस बनियाल बलिया नाला, भुवाली एरिया, ठंडी सड़क, ये सारे एरिया का एक निरीक्षण करके एक परमानेंट सोल्यूशन की एक हमें कोशिश की जा रही है, और जो भी बेहतर परमानेंट सॉल्यूशन होगा उसमें दोनों चीज़ें का ध्यान रख रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा हमारा सपोर्ट सिस्टम जो सुरक्षा दीवार। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।